जोहार सबके। सबसे पहले ये वाला क्लिप देख। विधायक के लड़कों पीछे जाने बोलिए, बंदूक के जोर पे पार हो जाइएगा। अरे यही हिम्मत तोड़ने के लिए, यही तो हिम्मत देने के लिए जरा महत्व आया है। अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है। आपके एक एक गुरूर को कुचलेंगे, ये बंदूक और तानाशाही के गुरूर को कुचलने के लिए जरा महत्व आया है। मेरा कार्यक्रम यहाँ रोड से पहले से है, परमिशन का कार्यक्रम है। आप कहा घुसे, दूसरा रोड से घुसते आप लोग। हाँ बुलाइए एसपीडीसी को, बुलाइए ओपीए, एसपीडीसी को बुलाओ, एसपीडीसी को बुलाइए। पीए जी, तानाशाही नहीं चलेगा लोकतंत्र में, तानाशाही नहीं चलेगा। पीछे जाइए, पीछे बैठ जाइए, बैठ जाइए। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगा। ओ पुलिस, ओ पुलिस, लोकतंत्र में तानाशाही नहीं। पीछे जा, पीछे, हम भी कैंडिडेट है। आई एम ऑल्सो कैंडिडेट। एक क्लिप देखल के बाद आज कुछ और भ गेलै, जकर जिक्र टाइगर दा खुद लाइव आई के कर लेथिन कि कल के जे बेरमो में जे सभा भेलै, जकर में अनूप सिंह के जे है गाड़ी जबरदस्ती जे है रैली वाला में घुसे के कोशिश कर ले। झारखंड, जय झारखंड। आज 18 तारीख हो चुका है। चुनाव प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है, तो आज मैं लाइव विशेष कारण से आया हूँ। उस विशेष कारण पे बात करने से पहले मैं आज की घटना से आपको परिचय करवा दूँ, क्योंकि पूरे राज्य में उस घटना के बारे में जानकारी हो चुकी है। वह घटना है बेरमो विधानसभा अंतर्गत जरीडी ब्लॉक में रोड शो की यात्रा। हमारी रोड शो की यात्रा चल रही थी, तभी एक कार्यक्रम, एक गांव में कार्यक्रम के दौरान हम लोग मेन रोड को टच कर रहे थे, और हमारी लगभग 30% जो रोड शो के दौरान उपस्थित साथी थे वो उस रोड में प्रवेश कर चुके थे। तभी पीछे से बेरमो के एक अन्य प्रत्याशी, जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, नाम श्री अनूप सिंह है, उनका काफिला आता है। उनके काफिला में दर्जन डेढ़ दर्जन से ज़्यादा पुलिस कर्मी, सुरक्षा कर्मी, कई गाड़ियाँ, और वह शायद साइड मांगते हैं कि हमें आगे जाना हो, क्योंकि हम काफ़ी पीछे थे और एग्जैक्ट वहाँ क्या हुआ नहीं मालूम। शायद कुछ लड़कों ने साइड देना भी मंजूर कर लिया था कि यदि आप लोग जल्दी में हैं तो शायद चले जाइए। लेकिन इसी बीच पुलिस तामझाम दिखाती है और हटो हटो, साइड हो, साइड हो, इस अंदाज में हमारे संगठन के साथियों को साइड करने का प्रयास करती है। उसी क्रम में दो तीन बच्चों को, जो कि हमारे संगठन में युवा बहुत ज़्यादा हैं, धक्का दिया जाता है। वह हल्के से रोते रोते हमारे पास आते हैं, क्योंकि हम पीछे थे, हमको मालूम भी नहीं कि आगे हो क्या रहा है। काफ़ी लंबा रोड शो था कि ऐसा सा बात है, फलाना प्रत्याशी का काफिला पार हो रहा था, हम लोग उनसे आगे थे और वो जगह मांग रहे थे और हम लोग जगह दे भी रहे थे। एक दो गाड़ी उनका पार भी हुआ था, लेकिन ठेल धक्का किया गया, हम गिर गए, चोट लगी है। तो मेरा पारा अपने हिट रहता है, हम कोई फिल्म का शूटिंग जैसे हो। चार पांच स्कॉर्पियो से कूदते, एक के स्कॉर्पियो से दूसरे पे, क्योंकि मेरा गाड़ी पीछे था, दूसरे से तीसरे चौथे करते करते हम मेन रोड जहाँ विवाद हो रहा था वहाँ हम पहुँचे। हमने भी वहाँ देखा, लगातार वो सायरन बजा रहे थे जैसे सड़क उनके अपने बाबूजी का हो। तो हमने वहाँ स्पष्ट यही कहा कि लोकतांत्रिक भारत है, परमिशन रोड शो का जयराम कुमार महतो के नाम पे आज है, और जो प्रत्याशी हैं महागठबंधन के, उनको आज का परमिशन भी नहीं है। तो इस लिहाज से रूट अगर बदलना था तो उनको बदलना था। उसके बाद भी मैं आपको कहना चाहूँगा और मैं आपको एक घटना भी बताना चाहूँगा। मंत्री बेबी देवी हमसे मिली, मैंने उनका पांव छूकर प्रणाम किया। उनके विपक्ष में हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमें एक दिन रविंद्र कुमार पांडे जी के बेटे विक्रम पांडे मिले, हमने हाथ मिलाकर अभिवादन किया। वह उनके पिता हमारे विपक्ष में चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ भी अगर वह प्रेम भाव से हमारे साथियों से, या फिर खुद कहते कि नहीं जयराम बाबू को बुलाइए, हम लोग रास्ता चाहते हैं, तो इनकार नहीं करते। लेकिन वह उनका
वो दबंगई अंदाज जो कहते हैं हम हैं भोजपुरिया डॉन, हम वोट लेंगे दबंगई अंदाज में, जो पहले कोयलांचल की सरजमी में देखने को मिलता था, वही अंदाज दिखाने का कार्य किया। लेकिन शायद वो भूल गए थे कि उनके सामने एक 29 साल का हठी लड़का जरा मत हो। बस क्या था, माइक मैंने बुलाया और मैंने जो कहा वो मीडिया में है, सबके सामने है। तो ये थी आज की घटनाक्रम। उसके बाद कल हम लोग का बैरमो में रोड शो होने वाला है, ये सबको जानकारी है और परमिशन भी मिल चुका था, लेकिन अभी प्रशासन कह रही कि परमिशन की अनुमति नहीं है। खैर मानने वाले तो है नहीं, प्रशासन का सम्मान है, सदैव सम्मान रहेगा, लेकिन किसी राजा के दबाव से अगर कुछ करेंगे तो सुनने वालों में शामिल नहीं है। हाँ, महत्वपूर्ण है लाइव का ये कि अभी एक कॉल मुझे आया था, वो एक बहुत बड़े पदाधिकारी का है। उन्होंने कहा, जयराम बाबू अनहोनी की आशंका है, सचेत रहिए, सावधान रहिए। तो आज मैं आपको इस लाइव के माध्यम से कहना चाहूँगा, जयराम महतो क्या लगता है आपको चुनाव जीतने के लिए केवल आया है? 2 वर्षों में गांव का गरीब किसान, महिलाएं, मजदूर जिस प्रकार से पदाधिकारियों से आंख मिला रहे हैं, जयराम महतो वो करने आया है। और आज हम सचेत हो जाएं, आज हम बैकफुट पर आ जाएं, मेरा मकसद चुनाव जीतने से कहीं ज़्यादा है। शोषित, वंचित, दमित, पीड़ित लोगों के अंदर जो डर है कोयलांचल में, उस डर के मिथक को तोड़ देना, उस गुरूर को तोड़ देना, उस गुरूर को घुटने पे ला के खड़ा करना, मेरा ये मकसद है। और उसी उद्देश्य मकसद के लिए जरा महत्व आया है पॉलिटिक्स में। तो बैरमो में कानों कानों खबर आ रही है, अब वो खबर कानों कान ही है, कितनी सत्यता है मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप इतिहास को झूठला नहीं सकते। ये कोयलांचल की धरती है जहाँ आपने शहीद शक्तिनाथ महतो, सुनील निर्मल, कल निर्मल और सुनील तो कोल्हान का विषय है, कोयलांचल की बात करें तो मणिनाथ मंडल, नेपाल रवानी, रसिक हांसदा, शहीद शक्तिनाथ महतो, सुदन महतो, ऐसे असंख्य, सुरेश महतो, असंख्य हत्याएं माफियाओं के द्वारा हुई हैं। और इतिहास में पुनरावृत्ति या फिर इतिहास दोहराया जाएगा, आप इस बात से इनकार भी नहीं कर सकते हैं। तो मैं आज आपको स्पष्ट कहना चाहूँगा, चूंकि एक बड़े पदाधिकारी ने मुझे कॉल करके सचेत किया था, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, मैं बिल्कुल सचेत होने के मूड में नहीं हूँ। मैं कल बैरमो और दुगने उत्साह के साथ आ रहा हूँ। आज वे लोग साजिश करेंगे, वे लोग धमकियाँ देंगे, वे लोग प्लानिंग बनाएंगे, जो लोग रक्त से सना, जिनका इतिहास है, आज वो अपने रक्त से, खून से, लहू से सने इतिहास को छुपाने के लिए सादा चादर ओढ़ लिए हैं। तो हम नहीं जानते हैं, सादा चादर यानी राजनीति में आ गए हैं, विधायक, सांसद, मंत्री बन गए हैं, तो हम इतिहास को भुला दिए हैं। रक्त से सने हुए हाथ सादा चादर पहनकर अपने इतिहास को भुला दें हम? तो मैं सचेत होने के मूड में बिल्कुल नहीं हूं। मैं कल बैरमो के रोड शो में दुगनी ताकत के साथ आ रहा हूं। और हाँ, डुमरी में तो मेरा नॉर्मल किसी तरह पार हो जाएंगे, जैसे ही बैरमो में मेरा रोड शो कदम रखेगा, मेरे सर पे कल काला कफन होगा। हम खुद सर पे कल काला कफन बांध के बैरमो के रोड शो में आ रहे हैं। कौन माफिया है और कौन दबंग है, वो इतिहास और होगा। इस बार सामने जयराम महतो है, खुली चुनौती है, हम बैरमो आ रहे हैं। और तमाम जिला प्रशासन पदाधिकारियों से भी कहेंगे, हमें डर भय नहीं है, हमने लेटेस्ट में शहीद सुनील महतो को खोया है 2007 में, पुलिस प्रशासन मौजूद रहता है फिर भी हमारे बेटों की हत्या हो जाती है, और आज अनहोनी की आशंका कानों कान खबर आती है और हमें कहा जाता है सचेत रहें, पागल हैं, हम सचेत रहने आए हैं, अपना जान बचाने आए हैं, जी नहीं, जान हथेली पे रख के शोषण से मुक्ति दिलाने आए हैं। कल बैरमो मेरा धाकड़ एंट्री होगा, जिसको रोकना है वो रोके, जिसको साजिश करना है करे। और हाँ, राज्य की जनता, झारखंड के जनमानस, इतिहास उठा कर देखिएगा, समय समय पर आपके बेटों की बलि ली गई है उन कोयलांचल की गलियों में, चाहे वो बलि शहीद सत्यनाथ की हो, चाहे किसी और की हो। आज वो माफिया तबके के लोग, चूंकि भले जयराम महतो आज कुछ नहीं है, और मैं मानता हूं कि मैं शक्ति निर्मल के धूल के बराबर हूं, लेकिन आज जयराम महतो की बोली AK-47 की बोली से कम नहीं है।
जयराम महतो की बोली, AK-47 की गोली से कम नहीं है। किसकी मजाल है कि सामने वो बैठा है गाड़ी में और वो कह दे कि नॉन मैट्रिक को 12 को बॉडी गार्ड मिलता है, ये कलेजा जयराम महतो का है। सामने बैठा है शख्स और कह दे कि हाय रे भारत का संविधान, कोयला चोर को 12 को बॉडी गार्ड मिला है, वो कलेजा जयराम महतो का है। तो इसलिए मैं मानता हूँ, मैं सुनील निर्मल के चरणों की धूल नहीं हूँ, लेकिन आज जयराम की बोली AK-47 की गोली के बराबर है और उनकी परपरी छूट गई है, हालत खराब है। इसीलिए माफिया और दबंगई, अनहोनी की आशंका, कुछ हो जाएगा, गरक टांक होगा। क्या होगा हम देखते हैं कल, कल जोरदार होगा। और पुलिस प्रशासन ये काम और खेल करते हैं आप लोग, परमिशन मिलने के बाद, परमिशन अलॉटमेंट के बाद आप कहते हैं परमिशन नहीं है। तो हम सुन लीजिए, कल अपना गर्दन को थाली में सजा के ला रहे हैं, किसके जिगर में दम है ले लीजिएगा, हम खांसी हंसी गर्दन दे देंगे। लेकिन जयराम महतो क्या सोचे, विधायक बनने आए हैं, अपने आप को बचा के रखें। अरे गुदमानी, विधायक बनना लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य है शोषित पीड़ित वंचित जो झारखंड की जनता है ना, उनको मुक्ति दिलाना मेरा लक्ष्य है। तो आज का जो माहौल किसी से छुपा नहीं है, आज जो क्या घटनाक्रम हुआ आप परिचित हो चुके हैं। अब सवाल आपके पास है, हम तो बोले सर पे कल मेरा काला रंग का कपड़ा होगा, हमें कुछ हो जाए तो करना क्या आपको है, ये आपको डिसाइड करना है। और आप बिल्कुल आज सीधा जिले के DC, जिले के SP को ही मेरा संदेश होगा, बैरमो जयराम महतो आ रहा है, सुरक्षा और पुलिस कर्मी बढ़ाते हैं कि घटाते हैं कि साजिश में साथ देते हैं वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो खेल हो रहा है ना उस खेल को हम समझ चुके हैं। मैं फिर कहूंगा, प्रशासन का हम सम्मान करते हैं, चाहे कोई पदाधिकारी रहे, वो पढ़ के मेहनत करके आया यहाँ तक, आदर है सम्मान है। लेकिन जो चीजें घटित हो रही हैं, स्पेशल हमारे साथ, मेरा झंडा उखाड़ा तो किसका, जयराम महतो का, गाड़ी रुका तो किसका, जयराम महतो का, ये पोल में झंडा है, ये रोड में झंडा है, और सबका कहाँ है, कहाँ है सबका, परमिशन होने के बाद कैसे परमिशन आप बोलेंगे कैंसल है भैया। फिर भी आपका सम्मान है, सम्मान है आदर्श आचार संहिता का, सम्मान है चुनाव आयोग के हर एक डिसीजन का, सम्मान है तमाम पदाधिकारियों का, लेकिन बैरमो तो हम आएंगे और काला रंग का कपड़ा सर पे बांध के कल आएंगे और चुनौती के साथ आएंगे। MLA और मंत्री बनने जरा मतलब थोड़ी आया है, अभी तक नहीं समझे आप लोग। और सुनिए झारखंड की जनता, इतिहास को याद रखिएगा, 77 शहीद शक्तिनाथ महतो, 87 निर्मल महतो, 7 सांसद सुनील, 24 आया है, भूखे हैं वो लुटेरे, भूखे हैं वो दबंग, वो माफिया भूखे हो चुके हैं। 2007 से 24 17 साल का समय पार हो चुका है, उनको रक्त नहीं मिला है, वो रक्त पिपासु भूखे और प्यासे हैं, लेकिन उनके सामने इस बार रक्त देने के लिए 29 साल का लड़का तैयार है। आ जाओ, हम आ रहे हैं। और हाँ, हमें अपने लहू और रक्त को बहाने से बिल्कुल भी परहेज नहीं है, लेकिन यही कहेंगे, अगर मेरा रक्त और लहू बहा तो झारखंड के वर्तमान में यह आखिरी रक्त होना चाहिए, फिर इसके बाद ऐसी घटना ना घटे इसके लिए आप ऐसा कदम उठाइएगा फिर कोई ये साहस और जरूरत ना कर पाए इस मिट्टी में। कब तक दीजिएगा बलिदान, जाइए ना पीछे, जितना पीछे आपको जाना है, 10 साल पीछे गए फिर भी आप शहादत मिली, 15 साल पीछे गए फिर भी आपको शहादत मिली, 30 साल पीछे गए फिर तब भी आपको शहादत मिली। हमेशा तो ये माफिया प्रवृत्ति के लोग कोयला में अपने वर्चस्व के लिए, झारखंड की संपत्ति में वर्चस्व के लिए, अरबों और करोड़ों का पैसा कमाने के वर्चस्व के लिए आपके बेटों की तो बलि ले ही लेते हैं, ये लोग समय समय पे बलि लेते हैं, नया क्या है। लेकिन जयराम महतो उसकी बोली AK-47 की गोली है, आज जो जोरदार धमाका करती है ना वो तो वही लोग जानते हैं। तो इसलिए हम बैरमो आ रहे हैं कल, और बहुत और ताकत के साथ आ रहे हैं, और ऊर्जा के साथ आ रहे हैं। तो जिनको आना है चले आइएगा, लेकिन हाँ ये ऐतिहासिक होगा, बैरमो जिनको आना है रोड शो में चले आइएगा,
ऐतिहासिक होगा, और जो अनहोनी की आशंका बोल रहे हैं ना, अनहोनी हो जाएगा आशंका, उस अनहोनी की आशंका को भीतर में रखिएगा। हम आ रहे हैं, कर लीजिए प्लानिंग। ऐसे भी प्लानिंग करके झारखंड को बर्बाद कर दिए, प्लानिंग करके हमारे एक से बढ़कर एक दिग्गज वीर बेटों को मौत की नींद सुला दिए। अरे कितनी प्लानिंग कीजिएगा, 29 साल के जरा मातों के लिए आपको इतनी धक्कड़ प्लानिंग करनी पड़ रही है कि आप जेल के अंदर जो लोग हैं वहां तक मैसेज गया है कि इस लड़के को हैंडल कीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल बेरमो में, कल आखिरी है 2024 विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण और अंतिम चरण, क्योंकि और चरण भी नहीं है, उस चुनाव का कल आखिरी दिन है, प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। बेरमो में कील ठोकने हम आ रहे हैं। ऐसे भी सुने बेरमो गड़ुरा का साम्राज्य बन चुका है, टाइगर की एंट्री होगी कल, हम सचेत नहीं पागलपंती के साथ आ रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा। हमारा इतिहास ही रहा है सर देने का, हमारा इतिहास रहा है दामोदर नदी की धारा के साथ अपने रक्त को बहाने का। उस इतिहास से हमें गर्व है, उस इतिहास से हमारा परिचय बनता है, उस इतिहास से हमें कोई परहेज नहीं है। हम तैयार हैं, टाइगर जयराम महतो तैयार है। अब देखते हैं बेरमो की जनता और झारखंड की जनता कितनी तैयार है। ज़्यादा नहीं, रात के 2:30 बज चुके हैं, नींद भी लग रही है, खाना अभी जस्ट 10 मिनट पहले खाए हैं और लाइव आए हैं। बाकी सबको जोहार। शुरुआत करेंगे डुमरी से। डुमरी ठीक है, घर है, जंगल है, पहाड़ है, पर्वत है, धमाका और हलचल मचेगी जब एंट्री बेरमो में होगी। आइए कल, टेंशन मत ले जहां मैं ना, आइए कल डुमरी से बेरमो रोड शो महारैली का कार्यक्रम है, स्वागत है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक रहा अनहोनी की आशंका वालों, बढ़िया से प्लानिंग कर लेना, धाकड़ प्लानिंग कर लेना। और हाँ, और एक बात, हमारा कोई सुरक्षा कर्मी सुरक्षा गार्ड कुछ भी नहीं है, एकदम स्कॉर्पियो की छत में खड़ा रहेंगे, दूर से भी तुम्हें साफ दिखेंगे, तुम जहां से हमें देखना चाहोगे, छत से, पेड़ से, पुल से, पहाड़ से, जहां से दिखोगे। जरा मां तो काली शीश में थोड़ी रहेगा जब तुम्हें नहीं दिखेगा, वो स्कॉर्पियो की छत में शेर की तरह अकड़ के रहेगा। दूर से देख लेना, निशाना साधने का मन हो तो साध लेना, लेकिन मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। बेरमो की धरती कल मेरे स्वागत के लिए तैयार है। जोहार, आज के लिए इतना ही, कल की आशंका और अनहोनी को देख लेते हैं कैसी अनहोनी होने वाली है। जोहार सबको, धन्यवाद, जय झारखंड।